हेलो गाइस, वेलकम टू विकास फिटनेस गाइड। वन सेकेंड, आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो बहुत मस्त होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली, यार आप लोगों की डिमांड के लिए, बहुत से लोगों को जो कन्फ्यूजन है एज को लेके, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। इवन ईमेल पे भी मुझे काफी मैसेजेस आए हैं काफी लोगों के। तो दे आर आस्किंग मी अबाउट एज सर्टिफिकेशन कि सर, अगर मैं एज सर्टिफिकेशन मैंने कर लिया है, किसी ने तो एज सर्टिफिकेशन जो कर चुके हैं और जो करने जा रहे हैं, तो उनके लिए करना सही है या नहीं है, और ए सर्टिफिकेशन दुबई में वर्क करता है या नहीं करता, ये आज मैं बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूँ आपको। वो ऐसे कि मैंने खुद ने REPS UAE, जो UAE में जो REPS जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने उनको अपना खुद को मैंने खुद ने अपनी ईमेल आईडी से उनको मेल किया, उनसे पूछा कि सर, किसी ने अगर ए सर्टिफिकेशन किया हुआ है या ACSM किया हुआ है या NSA किया हुआ है या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन किया हुआ है जो US बेस्ड है या कैनेडियन कंपनी से बेस्ड है, अगर वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है, उसके अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो क्या वो दुबई में वर्क करता है नहीं करता? कोई अगर कोई बंदा ए सर्टिफाइड है, तो क्या वो इज इट एलिजिबल टू वर्क इन दुबई और नॉट? तो ये काफी मैंने इसमें सवाल किए, तो उन्होंने एक मेरे को छोटा सा ईमेल, जो ईमेल का आंसर करके भेजा, वो भी विद इन 24 आवर्स में उनका मुझे ईमेल आया। तो वही ईमेल मैं आपको शो करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ, और हम पढ़ने वाले उस ईमेल को। तो उस ईमेल को पढ़ने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन है, जो कि एज को लेकर है, तो यार मेरा भी जो कन्फ्यूजन था मेरा दूर हो गया, तो आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है जो एज को लेकर है, वो बिल्कुल दूर होने वाला है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। सो लेट्स, मैं आपको दिखा देता हूँ उस वीडियो के अंदर। ठीक है, सो अभी आपको अपना ईमेल आईडी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी, तो उससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं मेरी ईमेल आईडी। सो चलिए गाइस, आप देख सकते हैं मैंने अपना ईमेल आईडी जो खोला हुआ है गूगल का। तो ठीक है, सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑफ एक्सरसाइज प्रोफेशनल REPS UAE का ईमेल आईडी है, और ये जो ऊपर है ये मेरा है, जो कि मैंने इनसे जो आस्क किया था। ठीक है, सो गाइस मुझे उनका रिप्लाई आया, डियर विकास, थैंक यू फॉर योर ईमेल। ठीक है, एज वी डू नॉट एक्सेप्ट ऑनलाइन कोर्सेज, इफ यू आर गोइंग टू सबमिट योर ACPT, देन वी विल एक्सेप्ट इट। हम आपका एक्सेप्ट कर लेंगे, बट ओनली प्रोविजनल स्टेटस। ठीक है, ओनली फॉर प्रोविजनल स्टेटस विद इन द ईयर ऑफ मेंबरशिप। You need to do an upskill with one of our training provider here in the UAE. Once you have done that, then that's the only time that we can give you full status of membership with REPS UAE. समझने आया मैं दोस्तों आपको? मतलब देखो यार, मेरी इंग्लिश भी कोई बहुत तगड़ी तो नहीं है, बट ये कि मैं समझ जाता हूँ, जो पढ़ लिखा हुआ है वो तो मैं समझ ही सकता हूँ। ठीक है, सो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने ये कहा है कि वो लोग ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप ACPT करने जा रहे हैं या अगर आपने ACPT कर लिया है, तो आपको वो ACPT सर्टिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, बट एक प्रोविजनल स्टेटस है कि वो एक्सेप्ट करेंगे उसको। बट आपको वहां पे, अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप वहां पे काम करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको वहां पे जाके UAE के अंदर ही, वहां पे आप किसी कंपनी के साथ आप काम करते हैं या गोल्ड जिम या फिटनेस प्लस, तो आपकी कंपनी के साथ ही मिलकर आपको REPS UAE लेवल का कोई सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, चाहे वो लेवल 2 का हो या लेवल 1 या लेवल 3। ज्यादा लोग लेवल 2 या लेवल 3 के ही सर्टिफिकेशन करते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दैट यू कैन इजिली वर्क इन दुबई। उसके बाद आपको फुल स्टेटस मिल जाएगा मेंबरशिप का, REPS UAE की मेंबरशिप आप बन जाएंगे। तो REPS UAE के आप मेंबर बन जाते हैं, तो ऐसा एज सर्टिफिकेशन करने के बाद आपको वहां पे कोई ना कोई सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा 2 या 3 महीने का। हो सकता है दोस्तों आपके पैसे ज्यादा लग जाएं, ये तो मैं भी नहीं कह सकता, पर जो नियम और शर्तें हैं वो तो यार दोस्तों यही है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आई थिंक आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया होगा। आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको पसंद आता है वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज विकास।